भक्तों 2024 में कार्तिक पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा के हिसाब से अधिक महत्व है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बेहद शुभ योग बन रहे हैं। भक्तों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो उपाय जो कार्य अगर आप कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। भक्तों भक्तों और इस वीडियो को आप पूरा ही देखिए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखी है, वीडियो को काट काट कर देखते हैं। भक्तों, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती जो वीडियो को काट काट कर देखता है, बीच बीच से देखा है। और अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आएंगे, आप पर धन दौलत की बारिश करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। इसलिए जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। भक्तों, ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पुण्य कार्य करने से कई गुना अधिक लाभ मिलने वाला है। भक्तों, अगर इस दिन कोई भी दान पुण्य किया गया उसमें लाखों और करोड़ों गुना की लाभ वृद्धि देखने को मिलती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई भी उपाय करेगी, कोई भी कार्य करेंगे, वह खाली जा ही नहीं सकता। इस दिन किया गया दान पुण्य हजारों और करोड़ों गुना दान पुण्य से ज्यादा फलदायी माना जाता है। भक्तों भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन लौट आई है। जिस घर में भी यह उपाय कार्य किया जाता है उनके घर कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती और लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं, ऐसे में इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास कब है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, इसे देव दीपावली भी किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान किया जाता है, शाम को नदियों में दीपदान किया जाता है, गंगा घाटम पर दीपदान का विशेष आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर शुरू होगी और 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। भक्तों, आप सभी को हम यह भी बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर बने शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा, साथ ही इस दिन बुद्धादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। भक्तों, आपको उपाय बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको हम बता दें कि राहुकाल व भद्रा का समय कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली पर भद्रा का साया रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल व भद्रा अच्छे कार्यों को करने के लिए शुभ नहीं माने गए हैं। भद्रा सुबह 6:43 से शाम 4:37 तक रहेगी राहुकाल, सुबह 10:44 से दोपहर 12:05 तक रहेगी। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस दिन का राशि के अनुसार दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी प्रभाव देखने को मिलता है। जो व्यक्ति राशि के अनुसार दान पुण्य करता है उसे कहा जाता है 1000 यौन के समान दान का फल मिलता है। इसलिए आप अपनी राशि के अनुसार दान जरूर करें। चलिए हम आपको यह बता देते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किन चीजों का दान करना बहुत शुभ और मंगलकारी आपके लिए इस बार रहने वाला है। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी राशियों के बारे में हम आपको जानकारी अवगत कर देते हैं, फिर हम वह महा उपाय बताएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि जरूर ही आपको कर लेना है, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में दौड़ी चली आती है। भक्तों, चलिए पहले हम आपको वह सभी सामग्री बता देते हैं जो आपको दान करनी है।
यानी कि राशि के अनुसार आपको दान पूर्ण करना है। चलिए जान लेते हैं। मेष, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, केसर आदि का दान करना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। आपकी राशि के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र, चांदी, चांदी के आभूषण, घी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि दान करनी चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है मिथुन। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए आपकी राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क, इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इससे लाभ होगा सिंह। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद सिंह राशि वाले लोग लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा, केसर, तांबा, घी आदि का दान कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या, मिथुन की तरह आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आप भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि दान देकर लाभ ले सकते हैं। तुला, वृष के समान ही आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आप कार्तिक पूर्णिमा को मोती, घी, इत्र, सफेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक, आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इनका शुभ रंग लाल है। आपको कार्तिक पूर्णिमा पर कस्तूरी, केसर, लाल कपड़ा, तांबा, भूमि आदि का दान करना चाहिए। धनु, देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। आप कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को भी ये वस्तुएं दान करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। मकर और कुंभ, इन दोनों ही राशियों के स्वामी ग्रह शनि हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद काला तिल, कंबल, काला या नीला वस्त्र, गर्म कपड़े, लोहा, स्टील के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करके शाम को उनके सामने शुद्ध देशी घी का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल डालने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से घर भर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अग्र्य देना चाहिए। इस उपाय को करने पर कुंडली से जुड़ा चंद्र दोष दूर होता है। अग्र्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र एयूएम सो सोमाय नमः का जप करना न भूलें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अग्र्य देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनक धारा स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि किसी एक का पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर न करें ये कार्य। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी न तो अपने घर को गंदा करना चाहिए और न ही इस दिन पहने हुए गंदे कपड़े पहनना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े कष्ट न बढ़ें तो आपको इस दिन किसी की भी साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के वरिष्ठ सदस्य का भूलकर भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि उन्हें तमाम तरह से खुश करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए योग, ध्यान आदि करना चाहिए और भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दीपदान, यदि किसी व्यक्ति के विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, जैसे शादी तय हो जाने के बाद मुहूर्त ना मिलना या किसी कारणवश सगाई टूट जाना, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के आसपास के किसी तालाब या नदी में जाकर दीप दान करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपकी शादी के योग बनेंगे। तुलसी पूजन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में सभी देवी देवता विराजते हैं, इसलिए तुलसी के पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और शादी के योग बनने लगते हैं। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है तो इसके पूजन से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगा जल से करें स्नान। मान्यताओं के अनुसार यदि आपके विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप स्नान करते समय
पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालें। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और विवाह में आ रही अड्डड्याचने खत्म हो जाती है। हल्दी का तिलक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ानी चाहिए और इस हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, साथ ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। इसके अलावा इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक भी बनाएं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी ना करें, ये गलतियां नहीं तो आपको भुगतना पड़ सकता है। खुपा आपको लगता है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में कभी नहीं रहती जिस घर में पूर्णिमा के दिन यह गलत कार्य होते हैं। आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ खास नियमों का पालन करने से इस दिन का बहुत लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें करने से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी के बर्तन या दूध का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इस दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन जितना हो सके नमक के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की लड़ाई, झगड़ा या क्लेश नहीं करना चाहिए। इस दिन दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, इस दिन अपने घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसा अंडा, प्याज, लहसुन अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी असहाय, गरीब और घर में किसी व्यक्ति को अपशब्द न बोले और न ही किसी का अपमान करें। इतना ही नहीं, इस दिन घर या बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन भूमि पर सोना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके तीन पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप तीन अलग अलग नगरों का निर्माण करें जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदानव ने उनके लिए तीन नगरों की स्थापना की। तार कक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चार घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने, भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए, देवताओं से बने। इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। इस दिन उपासक सूर्योदय और चंद्रोदय के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर पवित्र स्नान करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि यह कार्तिक स्नान एक अत्यंत पवित्र स्नान है। नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में भी नहा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु के सामने घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस दिन भक्त बड़े समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति की पूजा फूल, अगरबत्ती और दीप से की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपनी चिंताओं को दूर करने और शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने में मदद मिल सकती है। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। उपवास को सत्यनारायण व्रत कहा जाता है और सत्यनारायण कथा पढ़ता है। पूजा करने वाले अपने घरों में रुद्राभिषेक भी करते हैं। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में रोशनी की जाती है, कहा जाता है। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक शेयर करें, जिससे कि वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और माता रानी का असीम आशीर्वाद आप एवं आपका पूरा परिवार प्राप्त कर सके।